नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। सीएम राइज स्कूल बनाने का कार्य अलग अलग चरणों में शुरू किया गया है। पहले चरण में रीवा जिले में 12 स्कूलों को शामिल किया गया था, जिसमें शहर में पीके कन्या स्कूल, सिमरिया में कन्या विद्यालय, सिरमौर में उत्कृष्ट विद्यालय, त्योंथर में उत्कृष्ट विद्यालय, डभौरा, रायपुर करचुलियान, मनगवा, देवतालाब, मऊगंज, गौरी, रघुराजगढ़, ढेरा आदि को शामिल किया गया है। दूसरे चरण में रीवा शहर के पांडिन टोला कन्या स्कूल, हायर सेकेंडरी महसाओं, उत्कृष्ट विद्यालय गगेव को शामिल किया गया था। अब तीसरे चरण में भी आधा दर्जन स्कूलों के नाम प्रस्तावित हैं। आपको बता दें कि एडमिशन प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू हुई, जो आगामी 28 मार्च तक चलेगी। शासन ने निर्देश जारी किया है कि 1 अप्रैल से हर हाल में स्कूलों में कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएं। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों की उम्र को लेकर भी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि निर्धारित उम्र के अनुसार ही प्रवेश दिए जाएं। यदि कोई अभिभावक उम्र के दायरे की अनदेखी कर प्रवेश दिलाएगा तो बच्चों को आगे चल के बोर्ड परीक्षाओं के लिए नामांकन में कठिनाई आएगी। सीएम राइज स्कूलों के प्राचार्यों को भी निर्देश आया है कि वह अभिभावकों को उम्र की सीमा को लेकर जागरूक करें। नए नियमों के मुताबिक नर्सरी में एडमिशन लेने के लिए बच्चों की न्यूनतम उम्र 3 वर्ष और अधिकतम उम्र 4 वर्ष 6 माह होनी चाहिए। शहर में पहले से पीके स्कूल को सीएम राइज स्कूल घोषित किया गया था। यहाँ पर केवल कन्याओं को प्रवेश दिया जा रहा है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि यहाँ पर बालकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, बालकों को इससे वंचित रखा गया है। लगातार बढ़ती मांग के बाद एक और विद्यालय को सीएम राइज बनाया गया है, जिसमें पांडिन टोला की कन्या विद्यालय को शामिल किया गया है। इस तरह से रीवा शहर में 2 सीएम राइज स्कूल होंगे और दोनों में कन्याओं के प्रवेश होंगे। शहर में बालकों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि पांडिन टोला स्कूल के पास सीएम राइज के मानकों के अनुरूप स्थान नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर भवन बनाने में भी कठिनाई होगी। सर, ये बच्चों का एडमिशन शुरू हो रहे हैं सीएम राइज स्कूल में, जी कितना क्या इनके इस बार उम्र भी जरूरी कर दीजिए, क्या कुछ निर्देश? इसमें उम्र बड़ा स्पष्ट आया है। अभी हमारा जो बिल्कुल लेटेस्ट आदेश है, उसमें उम्र के लिए बड़े स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। नर्सरी से प्रवेश, नई शिक्षा नीति जो आई है हमारी, एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें नर्सरी में 3 साल से 4.5 नर्सरी का होगा, और फिर एक साल बढ़ाते जाए, जैसे LKG में 4 से 5.5, UKG में 5 से 6.5 वर्ष, और फर्स्ट में 6 से 7.5 वर्ष के बीच एज होनी चाहिए। और ये मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहूँगा कि इस वर्ष बहुत सारी दिक्कतें ऐसी आई कि लोग बड़ी जल्दी से एडमिशन करा देते हैं। जागरूकता तो है ही है लोगों में, ख़ासतौर से अपने रीवा में, तो एडमिशन करा देते हैं थोड़ा सा पहले। फिर जब नामांकन होता है बोर्ड में, तो सॉफ्टवेयर फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, और इस साल बहुत दिक्कत आई। फिर ठीक है कि कोर्ट ने बच्चों के फेवर में निर्णय लिया और उसको बड़ा देर से कंसीडर किया, नहीं तो लग रहा था कि उनको फिर से 99वीं पढ़ना पड़े। तो गार्जियंस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि एज का ज़रूर ध्यान रखें, जिस एज में जिस क्लास में एडमिशन को कराना है एज उसी के अनुरूप होना चाहिए, जल्दी ना। एडमिशन सीएम राइज की प्रक्रिया ये है कि 16 तारीख से फॉर्म मिलने शुरू हो गए हैं, और एक टेंटेटिव संख्या कि हम फर्स्ट में, जैसे फर्स्ट तो क्लियर है हम कितना देने जा रहे हैं, और हमको दिक्कत कहाँ पे है, जैसे 6वीं का 9वीं का 11वीं का, ये 3 कक्षाओं में हम बीच में एडमिशन देते हैं, तो 6वीं में दिक्कत ये होगी कि 5वीं से कितने बच्चे हमारे पास होंगे, बोर्ड पैटर्न हो गया है, 8वीं से एक्चुअल में कितने बच्चे पास होंगे। पर हम लोग नियर अबाउट एक संख्या का कैलकुलेशन करके और उसके अनुरूप सीट तय करके और आवेदन ले रहे हैं 16 तारीख, पूरे मध्य प्रदेश के सीएम राइज विद्यालय ले रहे हैं, और ये 23 तक हम लोग फॉर्म लेंगे, और इसके बाद इस पर स्क्रूटनी होगी, संख्या के अनुसार हम लोग फाइनल करके, और 28 तारीख हमारा अंतिम होगा। अगर उतने ही बच्चे आ गए, जितनी हमारी सीट है उससे कम है, तो सीधे हम बाहर निकाल देंगे एक लिस्ट कि ये सबको एडमिशन दिया जाता है, और अगर संख्या ज़्यादा होती है तो फिर वही लॉटरी सिस्टम है जो हर साल हो रहा है। गुड नेम और पोस्ट वरुणेंद्र प्रताप सिंह, प्राचार्य, सीएम राइज स्कूल।